टॉप 10 सुपर मेडिसिन कार फोर सेल सिमुलेटर जिन्हें देखने के बाद आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो गाइस आज सारे मिथ्स को हम कंफर्म या फिर बस्ट करने वाले हैं, लेकिन अगर आपके भी दिमाग में ग्लिच है या फिर मिथ्स है कार फोर सेल के रिगार्डिंग तो कमेंट करो यार, अगली वीडियो में मैं ट्राई करने वाला हूँ। और मैं देख रहा हूँ आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, ओनली वीडियो को देख के चले जा रहे हो, तो लाइक कर दो यार। मिथ नंबर 1, अगर आप कार रिपेयरिंग में जाओगे और वहां पर कार के नीचे कार को फंसाओगे तो होगा मैजिक। ओके, अभी हम आ चुके हैं ऑटो रिपेयरिंग में और मिथ के अकॉर्डिंग हमने कार को ठोक दिया, बिकॉज इसको रिपेयरिंग में जो डालना है तो यहाँ पर, अरे यार माइकल बोल रहा है कि कार को ठिकाने पे लगाओ पहले, चलो यार लगा देते हैं। अब यहाँ पर आई थिंक ये रिपेयरिंग में आ चुके, बट अभी हम इस कार को ऊपर नहीं करने वाले, सबसे पहले एक न्यू कार को लेके आते, मतलब दूसरी कार को लेके आते, क्योंकि इसके नीचे जो लगाना है। अब देखो मैं भी उल्टा चला रहा हूँ कार को, ज्यादा एक्शन बाजी कर, अरे ये क्या हुआ, लो भाई एक्शन बाजी करने के चक्कर में कार ही अटक गई पूरी पीछे। अबे निकल जा, अबे कोई मुझे बताएगा ये फंसी कहाँ पर है भाई, मिथ बस्ट करवाना है क्या। चलो इसको एक काम करते हैं, रिपेयरिंग में ही डाल देता हूँ। तो अब यहाँ पर अपनी कार फ्री हो चुकी है, अब जल्दी से इस कार को इस तरीके से लगाता हूँ ताकि इजीली दूसरी कार के नीचे चली जाए। चलो भाई अपनी ऑडी R8 को ऊंचा करते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसको रिपेयरिंग में डाल दिया, अब जल्दी से अपनी चेवेल को लेकर इस ओडी के नीचे डाल देते हैं। और मुझे नहीं पता गाइस क्या होने वाला है। अबे माइकल कहाँ पर बीच मारा है, माइकल के आर पर चली गई कार, वैसे तो कोई बात नहीं, चलो बेचारा माइकल कार के अंदर पे काम कर रहा है, इससे मैं बात भी नहीं कर सकता अभी यार, कार वाले ऑप्शन आ रहे हैं ओनली। चलो भाई अब देखते हैं यहाँ पर क्या मैजिक होने वाला। अरे भाई ओ ओ नीचे जा रही क्या कार, जा 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 भाई 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 प्लीज। अरे यार बाकी कुछ भी बोलो यार, मजा आ गया यार। ये वाला ग्लिच अगर पूरा हो जाता तो पता नहीं क्या होता, कार क्या जमीन के नीचे चली जाती। एक काम करते हैं इसको फिर से ट्राई करते हैं, इस बार मैंने चेवेल को लगाया और इसके नीचे ओडी डालने वाला हूँ, पता नहीं गाइस क्या होने वाला है। बाकी यार ये सब चीजें करने में मजा क्यों आता है मुझे नहीं पता, लेकिन अब देखते हैं यार मैजिक क्या होता है। और ये चेवेल ओडी के ऊपर, और भाई 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 यार, अरे यार ये साइड से निकल गई, मुझे लगा जमीन में चली जाएगी, बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये वाला मिथ कन्फर्म्ड है। मिथ नंबर 2, अगर आप रेड बार से बियर खरीदते हो तो आप उसे नेबरहुड के लोगों को बेच सकते हो। भाई ये बहुत खतरनाक मिथ लग रहा है मुझे, चलो ट्राई करते हैं। गाइस कसम से यार ये काफी यूनिक चीज है, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या होने वाला है। अभी हम पहुंच चुके रेड बार में और जल्दी से एक बियर को बाय कर लेते हैं, और मैं आपको जल्दी से दिखा भी देता हूँ। ये देखो मैंने ऑलरेडी एक बियर बाय कर ली है, अब जल्दी से चलते हैं नेबरहुड और देखते हैं भाई क्या मैजिक होता है। तो गाइस क्या लगता है आपको, नेबरहुड में जाकर हम बियर को बेच पाएंगे, जो वहां पर लोग कार सेल कर रहे होते हैं क्या वो अपनी बियर को खरीदेंगे, मुझे नहीं पता, जल्दी से चल के देखते हैं। ओके अपना पहला बकरा, ओके यहाँ पर अपना पहला कस्टमर मिल चुका है, मतलब सेलर को कस्टमर बना रहे जो कि अपनी बियर खरीदेगा। बट ये तो एक लड़की है, बट कोई बात नहीं, अपन को तो बियर बेचनी ना। हेलो मैडम, आई एम सेलिंग यू ए वेरी डिलीशियस बियर जो की बहुत दूर से मंगाई है मैंने, बाहर के देशों से आई है, क्या आप ये बियर लेना चाहोगे। लो मैडम पी लो, मैं आपके सामने पी के टेस्ट करके दिखाता हूँ, देखो जहर नहीं बेच रहा हूँ, ले लो प्लीज प्लीज मैडम ले लो, यहाँ पर तो कोई सेल का ऑप्शन भी नहीं आ रहा यार, कैसे बेचूँ इसको यार, यहाँ पर कोई ऑप्शन तो है नहीं बेचने का, खाली मैं ड्रिंक कर रहा हूँ, उल्टा नशे मुझे अलग चढ़ रहे। अभी मैं मैडम के अंदर घुस गया, अरे यार ऐसे थोड़ी लेगी वो, अभी गुस्सा हो जाएगी यार, यहाँ से चलते एक काम करते हैं दूसरे ग्राहक को पकड़ते हैं। हेलो मैडम, बियर वाले बियर ले लो प्लीज, क्या बियर लेना चाहोगे, बहुत ही सस्ती सी। अरे यार कोई भी नहीं खरीद रहा, एक काम करता हूँ हवा में देख के गटक जाते हैं जल्दी से। तो भाई बियर कोई नहीं खरीद सकता नेबरहुड में, तो ये वाली मिथ बस्ट है। मिथ नंबर 3, हैमर से जंक यार्ड कार तोड़ सकते हैं। क्या बात कर रहा है भाई, तभी मैं बोलूं हैमर का काम क्या है, क्योंकि उससे अपनी कोई नई कार तो टूटती नहीं है। तो अभी हम जेक के जंक यार्ड में आ चुके हैं और यहाँ पर मुझे हैमर लेना है सबसे पहले, तो यहाँ पर मुझे कोई कार तो, अच्छा ये वाली कार ही होंगी शायद, इनको तोड़ के देखता हूँ। नहीं अबे इसके तो अरे एक सेकेंड, ये यहाँ पर अलग से कबाड़ पड़ा हुआ है, इस पर देखते हैं। ओ ओ भाई यार ये मुझे आज पता चला कसम से भाई कि हम कार तोड़ सकते हैं जंक यार्ड में। अरे भाई साहब यहाँ पर तो पुर्जे निकल रहे हैं इस कार के, ये देखो अलग अलग। तो गाइस मुझे तो ऐसा लगता था ये फीचर वर्क नहीं करता है ढंग से, क्योंकि मैं अपनी गाड़ियाँ तोड़ने की कोशिश करता था, लेकिन आज पता चला कि यहाँ पर अपन जंक यार्ड की गाड़ियाँ तोड़ सकते हैं। बट गाइस अभी मैं एक चीज सोच रहा हूँ कि अगर मैं इस गाड़ी को तोड़ देता हूँ तो मुझे मिलेगा क्या, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलो एक बार पूरी कार तोड़ के देखते हैं, और पूरी कार टूटेगी कैसे ये भी नहीं पता मुझे। तो गाइस मैं तो बस ठोके जा रहा हूँ, पता नहीं गाइस कब ठुकने वाले। ओ ओ भाई जमीन में घुस गई ये तो, क्या बात है भाई, अच्छा ऐसे टूटती है। चलो भाई यहाँ पर काफी सारे पुर्जे पड़े हैं, ये सारे पुर्जे मैं उठा लेता हूँ, और इन पुर्जों को जहां तक मुझे लगता है जैक को देना होता है। जैक के पास चलते हैं, और अरे भाई साहब टोटल 90 पार्ट्स मैंने उठाए थे और सारे सेल कर दिए, लेकिन मुझे $380 मिले ओनली। अरे भाई इतने तो मेरे कार भी रिपेयरिंग नहीं होती, तो ये वाली मिथ कन्फर्म्ड है गाइस।
मिथ नंबर 4, अगर आप कार को क्रैश करने से पहले उसे एग्जिट कर देते हो तो कार को बिल्कुल डैमेज नहीं होगा। ओके गाइस, ये रही अपनी लैम्बोर्गिनी, सबसे पहले इसका डैमेज चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 11% डैमेज है, तो चलो गाइस सबसे पहले इसको रिपेयरिंग करवा लेते हैं, बिकॉज मैं इसको 0% डैमेज पर ही टेस्ट करने वाला हूँ। चलो गाइस अब दौड़ाते हैं इस कार को और सामने में पेड़ पर ठोकने से पहले एग्जिट कर दूंगा। क्या लगता है गाइस, डैमेज हुई या फिर नहीं, चल के चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पैनल ओपन करते हैं जल्दी से। वाकई में यार ये 0% डैमेज हुई है, 1% भी डैमेज नहीं आया भाई। चलो गाइज दूसरी बार ट्राई करते हैं और इस बार बहुत भयंकर स्पीड में लेके जाएंगे इसको, और मुझे नहीं पता गाइज क्या होने वाला है इस कार का। और अगर कार को 1% भी डैमेज आया ना तो इस मिथ को बस्ट कर दूंगा मैं। तो यहाँ पर सामने ट्रक है वहां पर ही ठोकूंगा मैं और बहुत पास जाकर एग्जिट करूंगा बस। अब तो भाई इसकी तो वाट लगा दी है कार की, मुझे जहां तक लगता है भाई बहुत भारी वाला डैमेज हुआ होगा। चल के देखते हैं पास में और पैनल वाला ऑप्शन। भाई वाकई में यार इसका 0% डैमेज हुआ है, ये देखो। मुझे नहीं पता गाइस कैसे, बट वाकई में 0% डैमेज हुआ है, ये वाली मिथ कंफर्म्ड है। ओके नेक्स्ट मिथ यार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हमें सेकंड फ्लोर बनाना है, उसके बाद हमें गाड़ी को उसके ऊपर रखना है और उसकी गाड़ी के जो नीचे के फ्लोर है उसको एडिट मोड में जाके हटा देना है। लेकिन एडिट मोड में जाने से पहले कार को सेल पे जरूर लगा लेना, गाड़ी फ्लाई करेगी। क्या बात है गाइस, फ्लाइंग कार वाली मिथ आ चुकी है। क्या लगता है गाइस, गाड़ी हमारी फ्लाई करने वाली है? तो सबसे पहले मैंने ऑफिस को क्लोज कर लिया है और मैंने एक लिफ्टर को भी ऑलरेडी लगा दिया है। अब इस ओडी को लेके चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर, बिकॉज मुझे लगता है फर्स्ट फ्लोर से ही काम चल जाएगा, क्योंकि नीचे के जो फ्लोर्स हैं वही तो गायब करने अपन को। और यार ये वाले मिथ में बहुत टाइम लगा था, तो प्लीज लाइक जरूर कर देना वीडियो को। तो अब जल्दी से ओडी में बैठते हैं और चलते हैं इसको लेकर फर्स्ट फ्लोर पर। और इसके नीचे के फ्लोर हमें गायब करने से पहले गाड़ी को सेल पे लगाना पड़ेगा, तभी कार हवा में फ्लाई करने वाली है। तो जल्दी से अपना टैबलेट निकालते हैं और गाड़ी को सेल पे लगा देते हैं। अब गाड़ी को कितने भी पैसों में लगा सकता हूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज हम गाड़ी को सेल नहीं कर रहे हैं। तो इसका प्राइस मैं $20 ही रख देता हूं। ओके सारा काम हो गया, अब जल्दी से एडिट मोड में चलते हैं और कार के नीचे के जो फ्लोर्स हैं उनको हमें हटाना होगा। तो चलते हैं कार के पास और इसके नीचे के जो फ्लोर्स हैं उसको डिलीट करते हैं। चलो यार यहां से सारे फ्लोर्स को हटा ही देते हैं, यहां पर पूरी कार हवा में दिखेगी। बट डिलीट कैसे होगा? अच्छा लेफ्ट कंट्रोल प्लस लेफ्ट, बट हो नहीं रहा गाइस, ये नहीं हो रहा भाई, डिलीट नहीं हो रहा। देखो यहाँ पर पता नहीं क्या लिखा रहा है कि पहले ऊपर के ऑब्जेक्ट को हटाओ, यानी कि कार को हटाने को बोल रहा है फ्लोर के नीचे से। देखो इसके साइड वाले तो डिलीट हो गए, बट इसके नीचे वाले डिलीट नहीं हो रहे। एक सेकंड में कुछ गड़बड़ कर रहे हो। एक काम करते हैं, पहले कार को है ना सेल से हटा देते हैं, उसके बाद इसके नीचे के फ्लोर्स को हटाएंगे, फिर देखते हैं यहाँ पर हटते हैं या फिर नहीं। अभी ये क्या हो गया अब भाई, ब्राउजर ही ओपन। अच्छा हो गया ठीक है। तो यहाँ पर रिमूव फ्रॉम सेल करते हैं और जल्दी से एडिट मोड में वापस चलते हैं और देखते हैं भाई कार के नीचे के फ्लोर्स हटते हैं या फिर नहीं। अगर नहीं हट रहे तो भाई ये मिथ बस्ट हो जाएगा यार, नहीं हट रहे गाइस, वाकई में नहीं हट रहे। तो मुझे लग रहा है ये वाली चीज पिछले अपडेट में वर्क कर रही होगी, लेकिन इस अपडेट में इसको फिक्स कर दिया है, तो फिलहाल के लिए ये वाला मिथ बस्ट है। ओके नेक्स्ट मिथ, अगर आप किसी कस्टमर को 2000 से 5000 की कार फ्री में बेचोगे तो वो नहीं लेगा। तो गाइस ये है अपनी चेवल, अब इसको लगाने वाले हम 0 रुपीज में, यानी कि फ्री में हम इसको सेल करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले साफ सफाई कर देते हैं और फिर देखें कस्टमर इस कार को फ्री में लेता है या फिर नहीं। इतना अच्छा मौका कौन छोड़ेगा मुझे नहीं पता। तो चलो गाइस अपनी कार पूरी अच्छी तरीके से साफ हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूं, जो कि ये 83,000 यहां पर आप देख सकते हो। अब भाई ने 2 से 5000 की कार को सेल करने को बोला था, लेकिन कार कितने भी पैसों की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर कार को फ्री में सेल करना है, इस चीज से फर्क पड़ता है। तो जल्दी से कार को लेकर चलते हैं ऑफिस के अंदर और लगाते हैं इसको सेल पर। तो गाइस ये रही अपनी चेवल और इसको मैं आपके सामने सेल पे लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर ऑलरेडी देखो $0 सेट है। अब जल्दी से पुट इट ऑन सेल पे क्लिक कर देते हैं और अपनी कार लग चुकी है सेल पर। अब देखते हैं भाई कोई कस्टमर आता है या फिर नहीं। और ऑफिस भी देख सकते हो गाइस, मैंने ओपन कर रखा है, ऐसा ना हो कि भाई ऑफिस क्लोज के बैठे और एक कस्टमर का इंतजार कर रहे, कितनी बार मेरे साथ हो चुका है। तो गाइस गेम के टाइम के अकॉर्डिंग मैंने 2 घंटे तक कस्टमर का वेट किया, लेकिन कोई भी कस्टमर नहीं आया है, तो ये वाला मिथ कंफर्म्ड है। ओके नेक्स्ट मिथ यार सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, अगर आप फॉरेस्ट में जाकर रिस्पॉन का बटन दबाओगे फिर मैजिक देखो। तो गाइस सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही तगड़ा सा ग्लिच होने वाला है, और ग्लिच के लिए तो भाई ये वाली वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर अपन ने कार को चढ़ा दिया ट्रक पे, अब जल्दी से चलते हैं फॉरेस्ट में और देखते हैं भाई क्या ग्लिच होता है। तो गाइस सबसे पहले ट्रक से उतारते हैं गाड़ी को और देख लो गाइस मैं फॉरेस्ट में ही हूँ आपके सामने। तो अब यहाँ पर मुझे ये करना है कि रिस्पॉन बटन दबाना है और मुझे नहीं पता गाइस क्या होने वाला है, चलो क्लिक करके देख लेते हैं। व्हाट,
भाई जहाँ पर मैं खड़ा था वहीं पर रिस्पॉन हो चुका हूँ। क्या यही था ग्लिच के यहाँ पर अपन रिस्पॉन हो सकते हैं? एक काम करते हैं, गाड़ी को थोड़ा पीछे लेके चलते हैं, ट्रक के ऊपर से रिस्पॉन करके देखते हैं भाई क्या होता है। यार पता नहीं क्या, ये तो फिर से नीचे रोड के ऊपर रिस्पॉन कर दिया है। तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अपडेट से पहले यहाँ पर कुछ तगड़ी चीज होती थी, जैसे कि नॉर्मल वाले मैप के अंदर रिस्पॉन कर दिया हो, बट अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये वाला मिथ अभी बस्ट हो चुका है। ओके गाइस ये वाला मिथ सुनो, ऑक्शन के पास वाले टायर्स और बॉक्स को आप शोरूम तक लेके जा सकते हो, प्लीज पिक माय मिथ। तो यार इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। तो अभी हम आ चुके हैं ऑक्शन में और टायर एंड बॉक्स ओके वो रहे साइड में एकदम, तो यहाँ से हम इसको घर पे लेके जा सकते हैं। लेकिन उठो, अच्छा भाई ये स्लाइड हो रहे हैं जैसे जैसे मैं आगे चल रहा हूँ ना, लेकिन बॉक्स नहीं हिल रहे। अच्छा बॉक्स तो यार वो दीवार के पास है ना, लेकिन टायर को मैं हिला पा रहा हूँ भाई, ये देखो। अबे भाई साहब इसको तो मैं ऐसे घसीट घसीट के ऑफिस तक लेके जा सकता हूँ। देखो भाई आधे रास्ते तक आ चुका हूँ, सामने कार भी मेरे आर पार चली गई है। यार ये वाले टायर को तो मैं 100% ऑफिस लेके जाऊंगा। अरे पीछे मत जा भाई, बड़ी मेहनत से आगे लेके आया हूँ तुझे, क्या कर रहा है। तो फाइनली यार काफी मेहनत करने के बाद मैं ऑफिस में लेकर आ चुका हूँ, लेकिन मैं इस टायर का करूँ क्या भाई, इसको मैं सेल भी नहीं कर सकता, लेकर तो आ गया यहाँ पर। एक काम करता हूँ इसके पास लेके, ए साले यहाँ पर खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, इस टायर को अपने गले में पहन और यहाँ पर साफ सफाई कर चल, वरना तेरे को इस महीने की पगार नहीं मिलने वाली। काम कर यार, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है भाई, बट छोड़ो यार कोई बात नहीं, सदमा ले लेगा अभी ये। गाइस आप बताओ टायर का क्या करना है, और मिथ के अकॉर्डिंग ये मिथ कंफर्मड है। अब गाइस ये वाला जो मिथ है ना, इसने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान किया है। तो 0% फ्यूल के बाद भी आप गाड़ी चला सकते हो। तो गाइस ये रही मेरी लैम्बो, सबसे पहले इसका फ्यूल चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो फ्यूल 100% है। तो मिथ को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें पूरे फ्यूल को खाली करना पड़ेगा। तो इसके लिए गाइस मैंने पूरे मैप के बहुत बार चक्कर लगाए हैं, हद से ज्यादा। अब इसकी तो गाइस देखो आपने क्या ही फ्लिप मारी हवा के अंदर, मजा आ गया भाई। लेकिन यहाँ पर अपन को फ्यूल खाली करना है, इस पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पर देखो अभी मैंने पूरे नेबरहुड के बहुत सारे चक्कर लगाए, लेकिन फ्यूल 100% है। गाइज मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये पता नहीं क्या ग्लिच हुआ था। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको फॉरेस्ट में लेके गया, उसके बाद डेजर्ट में लेके गया, बहुत ही ज्यादा गाड़ी को दौड़ाया, यहाँ तक कि मैक्स स्पीड पर देखो 300 स्पीड हो चुकी है। इतनी ज्यादा गाड़ी को दौड़ाने के बाद भी भाई ये वाला जो फ्यूल है ना, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तो पता नहीं गाइस यहाँ पर कोई ग्लिच हो चुका है, या तो ये मेरे साथ ही हो रहा है या फिर आपके साथ भी हो रहा है, ये मुझे कमेंट में बताओ। और देखो अभी भी फ्यूल 100% है। तो ये वाले मिथ को बस्ट करना चाहिए या फिर कंफर्म्ड करना चाहिए, ये गाइस मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट में बता देना। ओके गाइस अब आ चुका है लास्ट मिथ, कार रिपेयर में दीवार पर स्नेक का फोटो है। स्नेक का फोटो लगा या स्नेक का मुझे समझ में नहीं आया गाइस, लेकिन चलो चेकआउट कर लेते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं ऑटो रिपेयर में, और सामने की तरफ यहाँ पर एक फोटो तो लगा हुआ है, लेकिन स्नेक तो बना हुआ नहीं है, या फिर स्नेक पता नहीं भाई ने क्या बोला है। तो यहाँ पर एक फोटो तो इधर लगा हुआ है, और इसके अलावा कहीं और पे फोटो है क्या? एक यहाँ पर है, चलो यहाँ पर एस बना हुआ है या फिर 5, समझ नहीं आ रहा गाइस इसका क्या मतलब है। और इसके अलावा तो कहीं और फोटो दिख रहा है क्या आपको? चारों तरफ देख लेते हैं भाई अच्छे से, दीवार के ऊपर भी नहीं है, अभी तो मुझे और कहीं पर फोटो नहीं दिख रहा है, दीवार के बाहर भाई यहाँ पर कोई स्नेक का फोटो वगैरह समझ में नहीं आया मुझे, लेकिन फोटो जरूर लगा हुआ है, तो ये वाला मिथ कंफर्म्ड है। सो बस गाइज आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज। और हाँ न्यू मिथ्स एंड न्यू ग्लिचेस को जल्दी से कमेंट कर दो, ताकि अगली वीडियो में मैं ट्राई करूंगा। और हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड लव यू ऑल।